नौजवानों के लिए इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है कि वो अपने देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़े। मेरा नाम जगजीत कौर है और मुझे निक्की भी कहते हैं। संगीत मेरा हुनर है और बगावत मेरी पहचान है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रह रही थी, वहाँ पे बच्चों को कीर्तन सिखाती थी। वहीं पे रहते हुए सोशल मीडिया पे मुझे कुछ ऐसे साथी मिले जिनसे मुझे ये पता चला कि भगत सिंह का नाम आज भी लिया जाना चाहिए, लिया जाता है, और इनकलाब जिंदाबाद आज भी रेलेवेंट है। तो मुझे जब ये सारी चीज़ें पता लगी कि जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ गलत चीज़ होती है, वहाँ वो साथी आगे बढ़ के आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी उस चीज़ का हिस्सा बनूं। वैसे मुझे चिकन पॉक्स हो रखा है, मैं बीमार हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे होके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रुक के अपना हिस्सा डालना चाहिए। जहाँ सारे देश में लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो मैं अपने आर्ट थ्रू क्यों ना इधर भी पार्टिसिपेट करूँ। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि पूरे देश भर में नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इस काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारी औरतें भी बाहर हैं, तो इसमें यह है कि अगर कोई जुल्म भी होता है तो वो भी हमारे हिस्से आता है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत चीज़ जो अगर रच गई तो वो इतिहास में जो योगदान होगा उसमें हमारा नाम होगा। ये संघर्ष हम जीतते हैं या कहाँ तक पहुँचता है मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब सारा देश काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था तो हम उसमें शामिल थे। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।